हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, जिसके लिए राइस मैंने पहले ही सोक करके रख लिया है एक घंटा पहले। और अब हम कट कर लेते हैं प्याज टमाटर, जो भी रिक्वायर्ड सामान है वो सारे सामान कट कर लेते हैं। ये मैंने यूज़ किया है बासमती राइस। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो हमें आलू डालना है उसे कुक कर लेते हैं अलग से। उसके लिए हमें कढ़ाई में ऑयल डालना है, मीडियम साइज़ के आलू को कट करना है। अभी इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, आलू के बराबर पानी ऐड करके इसे मिक्स करके हमें रख देना है। फ्लेम हमारी हाई पर है, अब इसे कुक करने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट हो गया है और आलू में जो हमने पानी डाला था वो ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आलू कुक हो चुका है, और एज यू कैन सी कि आलू सच में कुक हो चुका है। तो अब इसका फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम जाएंगे अपने जो ग्रेवी बनानी है वो देखेंगे क्या करना है उसमें। कुकर में मैंने ऑयल ऐड कर ली हूँ। अब हमें कुकर तेल में ऐड करना है तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और ज़ीरा। इसके बाद हमें प्याज ऐड करना है, बहुत सारी प्याज लगेगी हमें। और चावल मैंने लिया था 3 ग्लास, ऐसे गोल्डन ब्राउन करना है। मिंग हो चुके हैं और हमारी जो प्याज है वो बस थोड़ी सी गली है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इसका कलर में थोड़ा सा चेंज आएगा तो हमें ऐड करना है इसमें टमाटर। जब प्याज भुन गई थी तो मैंने टमाटर ऐड कर लिया था। उसके बाद 2 से 3 मिनट टमाटर को गलाने के बाद इसमें मैंने गोश्त ऐड कर लिया था। गोश्त के बाद हल्दी, नमक और अदरक लहसुन डाल के मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब इसके बाकी के मसाले डालेंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच भर के, गरम मसाला, धनिया पाउडर 2 चम्मच और ये रेडीमेड सुहाना मसाला मिक्स, मटन बिरयानी का स्पेशल मसाला थोड़ा सा। और थोड़ी सी डालना है दही। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक भून लेना है, और 1 ग्लास पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा के रख देना है। इसे ढक कर रख देते हैं बॉईल होने के लिए हाई फ्लेम पर। पानी इसका बॉईल होने लगा है, अब इसमें सोक किए हुए चावल ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करना है हल्के हाथों से,
और ढककर पानी ख़त्म होने तक कुक करना है। इसकी फ्लेम को एकदम लो रखना है। ये जो बिरयानी के लिए हमें चावल चाहिए होगा, पुलाव, ज़ीरा राइस, वो रेडी है। इसे कुक होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। सबसे पहले तो हाई फ्लेम पर कुक हुआ था, उसके बाद जब इसका पानी कम हो गया तो इसे लो फ्लेम पर मैंने कुक किया है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल खिले खिले चावल हुए हैं। और ये जो हमने कुकर चढ़ाया था इसको ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट्स हो चुके हैं। बीच में मैंने आधे घंटे पे एक बार खोल के देखा था तो गोश्त गला नहीं था, तो अभी 5 मिनट में इसको फिर से एक बार खोल के देखेंगे। अब फ्लेम है बिल्कुल लो, सालन 45 से 50 मिनट में कुक हो गया है। अब बिरयानी की लेयरिंग करते हैं। एक लेयर चावल की है, दूसरी लेयर हमें आलू की करनी है जो सबसे पहले हमने बनाया था। सालन डालेंगे ऊपर से पूरा चावल। आलू के लेयर डन है, अब इसमें सालन डालना है। मटन की लेयर हो गई है। अब नेक्स्ट लेयर जो लास्ट है वो चावल डालना है। इलायची स्पॉटेड, अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ग्रीन फूड कलर ऑरेंज फूड कलर कलर की कमी तो अब ये बिरयानी जाएगी 10 से 15 मिनट के लिए दम पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।